हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया और भारत। जी हाँ, यानी कि हमारे देश की ये दो खूबसूरत नाम इंडिया और भारत, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे ये दो नाम पड़े इतने खूबसूरत, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इंडिया से। इंडिया का नाम जो हमारा पड़ा था वो ओरिजिन हुआ था इंडस से। इंडस यानी कि हमारी जो इंडस नदी है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इंडस यानी कि इसको हम संस्कृत में बोलते हैं सिंधु, और जिसको हमने आपने सुना भी होगा क्लासिक एनसीईआरटी में, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो बेसिकली हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है यानी कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वहां पे इंडस नदी जो बहती है वहां से जब इसका शुरुआत हुआ, तो वहां पे जो हमारे ईरानियंस और ग्रीक्स थे जब वो लोग माइग्रेट करते थे, जब एक जगह से दूसरी जगह आया करते थे तो ट्रेडिंग के लिए या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो वो लोगों का जो एक्सेंट था वो लोग इंडस को बेसिकली इंडोस या फिर हिंडोस बोला करते थे, और फिर यहाँ से इंडिया का नाम ओरिजिनेट हुआ। और सिंधु घाटी यानी कि जो हमारी इंडस नदी थी उसके ईस्ट सब कॉन्टिनेंट को नाम दिया इंडिया। अब बात करेंगे हम भारत के बारे में। भारत नाम जो था वो ऋग्वेदिक में आज से 3,500 साल पहले डाला गया था, और भारत जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास आकर रही थी, और यहाँ से शुरुआत हुआ था हमारे देश का नाम भारत। अब दोस्तों, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में इसके बारे में जिक्र हुआ है, द नेम एंड द यूनियन ऑफ द स्टेट ऑफ अवर कंट्री। तो हमारे देश का नाम संविधान में जो है वो इंडिया दिया गया है या भारत दिया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इवन हुआ क्या था, आज़ादी से पहले जब संविधान लिखा जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात को लेके बहस भी हुई थी। कुछ लोगों ने इसका ट्रेडिशनल नाम देना चाहा भारत, और कुछ लोगों ने इसका मॉडर्न नाम देना चाहा इंडिया, कि हमारे देश का नाम भारत होगा या इंडिया होगा। फिर काफ़ी सारी डिबेट्स के बाद ये डिसाइड होता है कि हमारे देश का नाम जो है वो इंडिया और भारत दोनों रखा जाएगा, और यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद हमारे देश में जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें संविधान में हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों दिया गया है, और इसलिए ट्रेडिशनली भारत और मॉडर्न नेम हमारा आज इंडिया है, जिसको हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो आज का हमारे देश के नाम के बारे में, इंडिया और भारत। आपको आने वाले समय में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आप मेरे चैनल को आगे और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और आपका कोई भी सजेशन है या किस चीज़ से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट आवर इंडिया एंड भारत। थैंक यू वेरी मच।